हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मजा लेते रहिए। भाई, कहते हैं कि नए नए शो के जब प्रोमो आते हैं तो सबसे पहले सर्च किया जाता है ये कौन से शो को रिप्लेस करेगा। ऐसे में जब शो की डेट आ जाती है सामने बट टाइम नहीं दिया जाता है, तो यही होता है कि आप शो के बारे में टाइम को लेकर सर्च करें। ऐसे में जी टीवी भी जो है काफ़ी जो है तैयारी में है, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया है जी टीवी को बहुत पीछे रहते हुए। अब कहीं ना कहीं अपने शो की सर्चिंग कराना, शो का ट्विस्ट देना, नए नए शो की अपडेट देना, या फिर जो शो टीआरपी अच्छी नहीं दे रहे हैं उनको जल्दी से टाटा बाय करना, और उससे भी स्पेशल कि स्लॉट चेंज करना। चलिए, जी टीवी पे जब भी कुछ अच्छा होता है तो मन तो खुश होता ही है, क्योंकि जी टीवी के बहुत से चाहने वाले हैं। तो ऐसे में मैं बात करने वाली हूँ आपके जी टीवी पे कल एक नए शो का प्रोमो आया, जो कि प्रोमो जागृति नाम से है। और ऐसे में जब जागृति शो का प्रोमो सामने आया तो फैन शॉकिंग हो गए कि यार कौन सी प्रोडक्शन का है, कौन सी कास्ट है, क्या स्टोरी है। बट प्रोमो देखकर सबको लगा यार ये तो पक्का उड़ान जैसा है, जैसा हमने कलर पे उड़ान देखा था, जहाँ पे जो है बड़ों को लेकर छोटों को बंदी बना दिया जाता है, एक कर्ज में डाल दिया जाता है, और फिर वो कुछ नहीं सोच पाते, वो बस उस महाराज की गुलामी में रहते हैं। या ये हम कहें जागृति का मतलब होता है आज़ादी। तो इसीलिए जो है इस शो का नाम ऐसा रखा गया, और जो है बिल्कुल शो जो है उड़ान जैसा है, वही लुक है, वही बच्ची का ड्रेस है, वही जो है जो हवेली टाइप से है तो वही है सेम, वही इंक का यूज़ किया जा रहा है। जहाँ पे थम का यूज़ किया गया था वहाँ पे थम का ना लेकर पूरे हैंड का जो है एक कहते हैं कि अब हम तुम हमारे गुलाम हो चुके हो, बंदी हो चुके हो। तो इस तरह का प्रोमो देखकर फैंस को ऐसा नहीं लगा बहुत नया है, बट इसलिए खुशी हुई कि जी टीवी पे भी चलो बच्चों के टाइप का शो आ रहा है, जहाँ पे बच्चे भी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आएंगे। ऐसे में ये शो जो है आपके प्यारे से गुरुदेव भल्लाल का है। इससे पहले आप पूर्णिमा शो अगर दंगल देखते हैं तो उस पर आया था, और अगर आपने जो है जी टीवी पे उनके शो की बात करें, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है, इस तरह का शो वो दे चुके हैं जिसमें तामझाम बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा, बट टीआरपी अच्छी नहीं आई थी। वजह थी कि उसको अच्छी टाइमिंग नहीं मिली थी। अब उन्हीं के पॉकेट से एक शो ये निकला है जागृति। आपको एक खबर और बता दें, अगर आपने उड़ान सीरियल देखा होगा कलर पे, ये इसी प्रोड्यूसर का था। अब ऐसे में अब जैसे ही कह सकते हैं कि इनके पास स्टोरी बहुत बड़ी है इसकी, अगर ये शो चल जाता है तो मोस्टली स्क्रिप्ट की कोई कमी नहीं होगी, हर रोज़ एक ड्रामा देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए जागृति का प्रोमो जो है आ गया है, 16 सितंबर को है शुरू हो रहा है जी टीवी एंड जी फाइव पर। उससे बड़ी खबर ये है कि ये शो किसे रिप्लेस करेगा। आई थिंक ये शो मुझे लगता है राधा मोहन को रिप्लेस करेगा, लेकिन काफ़ी शो को इन्होंने जो है 1 सितंबर तक का टाइम दिया हुआ है, काफ़ी शो को एक टीआरपी की डिमांड में या फिर अच्छी टीआरपी की डिमांड में। तो इसीलिए हो सकता है कि अभी सिर्फ प्रोमो दे रहे हो 16 सितंबर तक, बाकी अगर उन्होंने अपना जो है चैलेंज पूरा कर दिया तो बेस्ट है, नहीं तो मुझे ये लगता है कि 8 o'clock पर जाएगा, और लेट टाइमिंग में तो ये इतना कमाल नहीं कर पाएगा। 8 o'clock पर मुझे उम्मीद है ये अच्छा कर सकता है। बाकी जी टीवी पे मैंने बहुत कम ऐसे शो देखे हैं जो बच्चों टाइप के होते हैं, ज़्यादा लव ट्रायंगल या फिर इस टाइप के शो ज़्यादा देखे हैं। तो ऐसे में अगर आपने प्रोमो देखा तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।